हाँ जी नमस्ते कैसे हैं सब लोग बढ़िया मज़े में आनंद में चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें खूब मज़े में रखें खूब स्वाध्याय कीजिएगा खूब अध्ययन कीजिएगा खूब मेहनत कर कीजिएगा जब तक आपकी आपको मनवांछित सफलता नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है थकना नहीं है हारना नहीं है चाहे परिस्थितियाँ विषम से विषम क्यों ना हो जाए क्योंकि हमें जीतना ही है और नौकरी लगना ही है घर में मोटी मोटी सैलरी लेके आना ही है माताजी पिताजी को खूब खुश रखना है परिवार को भी खूब खुश रखना है चलिए साथियों नमस्कार सभी को कैसे हैं सभी को गुड इवनिंग आनंद में हैं सब लोग चलिए हाँ भाई हर्षवर्धन आपका मैंने पढ़ लिया है अभी जवाब देने वाला हूं ठीक है चलिए तो अब तक हम लोग चर्चा कर चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए आए हैं ठीक है आप लोगों ने जो जो प्रश्न भेजे हैं वो कुछ प्रश्न मैं आप लोगों लिए के लिए लेकर के आया हूँ ठीक है अरे भाई सुखी भाई धन्यवाद चलिए सुखी पंजाबी ध्यान से सुनिएगा भाई कुछ प्रश्न है एक तो प्रश्न आया था आपका कि बदक्षा कहाँ है ठीक है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आ, जो सामग्री आती थी आयात का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था बदक्सा बदक्सा कहाँ पर है हिंदू कुश पर्वत के पास में अफगानिस्तान क्षेत्र है कहां पर है अफगानिस्तान में वर्तमान अफगानिस्तान में है बदख्सा ठीक है एक अच्छा प्रश्न था सेंदव लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था सेंदव लिपि को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किया गया था एक व्यक्ति था जिनका नाम था वेडेन महोदय क्या नाम था वेडेन महोदय देखिएगा वेडेन ठीक है ना क्या नाम है वेडेन मोहदे के द्वारा इस सैंदव लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया सर्वप्रथम लिपि पढ़ने का प्रयास किया गया लिपि लिपि पढ़ने पढ़ने का का प्रयास प्रयास ठीक है यदि हम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो भारतीय व्यक्ति था जिनका नाम मिलता है नटवर झा व्यक्ति का नाम क्या है नटवर झा प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सैनदव लिपि को पढ़ने का प्रयास किया अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं है जिसने इस लिपि को पढ़ने में प्राप्त जो है सफलता प्राप्त कैश राजपूत कह रहे हैं मैंने पूछा ठीक है बेटा कोई बात नहीं ठीक है सूरज बेटा ठीक है चलिए एक प्रश्न आया मुद्रा किस प्रकार की बेटा मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से स्वास्थ्य का चिन्ह बेटा हड़प्पा से ठीक है ध्यान से सुनना मुद्रा जो है मुद्रा के बारे में तो हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं ठीक है सेलकड़ी से निर्मित थी केल साइड भी उसमें प्रयोग करते थे चांदी का भी मिश्रण होता था इन तीनों का जो है मिश्रण करके सेंद सभ्यता के लोग अपनी मोहरों का निर्माण करते थे ठीक है ना वस्तु विनिमय था है ना वस्तु विनिमय व्यापार का प्रमुख आधार था मतलब एक्सचेंज करते थे एक के बदले दूसरी चीजों का ठीक है एक प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ है लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ किसी भाई ने या किसी बहन ने पता नहीं किसने पूछा है गुफा चित्र सर सबसे प्राचीन कहाँ है भीम बेटका या एलोरा बेटा भीम बेटका की गुफाएं सेल चित्र सबसे प्राचीन है एलोरा की गुफाएं तो बहुत बाद की है ना अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है ठीक है अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया ठीक है ना बारह लाख निन्यानवे हजार छह सौ वर्ग किलोमीटर वर्तमान परिप्रेक्ष्य बदल गया है कई जगह सोलह मिलता है कई सत्रह कई जगह बीस क्योंकि लगातार उत्खनन चल रहा है यहाँ से एक प्रश्न पूछा कि, कि गुरुजी सर्वप्रथम हल हल का साक्ष्य साक्ष से मिला हल के साक्ष्य दो जगह से मिलने हैं देखो लॉजिकल बात है ये कुछ प्रश्न ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न पूछे जाना चाहिए लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना कि हल के साक्ष्य पहले काली बंगा और फिर बनावली ठीक है फर्स्ट राइस इविडेंस किसी भाई ने पूछा कि पहला चावल का साक्ष्य कहां से मिला है तो यदि सेंदव सभ्यता के दृष्टिकोण से बात करते हैं तब तो सबसे पहले लोथल में ठीक है ना कहा लोथल में यदि संपूर्ण हम प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के चर्चा करते हैं तो जो है चावल के प्रथम साक्ष्य से या धान की खेती के प्रथम साक्षी कोल्डी हवा से मिलते हैं ठीक है जल प्रणाली थी क्या धोलावीरा में बिल्कुल थी बेटा सुव्यवस्थित जल प्रणाली है धोलावीरा की ठीक है मोहनजोद्रो का भी सुव्यवस्थित जल प्रणाली था हड़प्पा का भी था ये जो नगर है ना सेंधव सभ्यता के इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी इनका जल नियोजन इनका जल नियोजन साथ ही साथ नगरीय व्यवस्था जो थी इनकी बहुत अच्छी सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण था यहाँ ठीक है मातृदेवी की मूर्ति मृण मूर्ति देवी की मृण मूर्तियां खूब सारी जगहों से मिली है ठीक है मोहनजोदड़ो से भी मिलती है बनावली से भी मिलती है राखी गढ़ी से भी मिलती है ठीक है हड़प्पा से भी कुछ मातृदेवी की प्रतीकात्मक जो है मृण मूर्तियां मिली है ठीक है बेटा तो ये चीज ध्यान रखना सबसे बड़ा स्थल मैं चर्चा कर चुका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मैंने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बात कर ली थी और जनगणत्व के आधार पर भी हमने बात कर ली बहुत अच्छे से इस चीज को मैं क्लियर करवा चुका हूं तो बार बार मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी अरे मेरे भाई प्रथम नगरीय सभ्यता ही तो पढ़ देते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है चलिए नटराज जैसी दिखने वाली नर्तकी की मूर्ति बेटा बहुत अच्छे से बात कर ली हमने है ना कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी मोहनजोदड़ो से मिली अच्छा सिंधु की राजधानी अब से जब सिंधु की राजधानी की चर्चा करते हैं ना हम लोग तो थोड़ी सी चीजें हमें अलग अलग चीजें मिलती है ध्यान से सुनना ठीक है स्ट्रोट पिगट एक महोदय थे स्ट्रोट पिगट महोदय ने एक बात कही उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसी विशाल विस्तृत विशाल साम्राज्य की जुडवा राजधानी बताया किसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ठीक है फिर कई इतिहासकारों ने जो सबसे बड़े स्थल है हमारे भारत के धोलावीरा राखी गढ़ी इनको भी संयुक्त रूप से राजधानी क्षेत्र के रूप में बताने का प्रयास किया है ठीक है ना और फिर कालीबंगा को तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है तो यह सारी की सारी बात हमने कर ली ठीक है ना वेडेल महोदय वेडेल वही है बेटा ठीक है चलिए और कोई अच्छा एक प्रश्न आया कि गुरुजी जी सभ्यता के गाय लोग गाय से अपरिचित थे क्या देखो गाय का हालांकि कहीं स्पष्ट साक्ष्य उल्लेख तो नहीं मिलता है लेकिन बेल का साक्ष्य मिलता है कहाँ किसका बेल का साक्ष्य मिलता है तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि गाय से लोग वहां के परिचित होंगे ही होंगे ठीक है चलिए मोखाराम जी ठीक है भाई और कोई किसी का प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है बेटा गणेश्वर ताम्रपाषाणिक है ठीक है आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है अच्छे से सुनना है समझना है चीज़ों को ठीक है और दिल में उतारना है और दिल दिल में जो चीज़ उतर जाती है वो चीज़ आप कभी भी भूलते नहीं हैं ठीक है दिमाग में तो रखना ही रखना है ठीक है उसके साथ में क्या है आपको दिल में भी रखना है चलिए बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता की क्या है वैदिक सभ्यता कैसे इसकी उत्पत्ति हुई कौन इसके निर्माता थे कहाँ से लोग यहां पर आए ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं और किन किन विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता के संदर्भ में क्या क्या बातें कही है वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है ठीक है हम बात करेंगे वेदों की भी बात करेंगे वैदिक साहित्य की बात करेंगे थोड़ी सी ठीक है और थोड़ा राजनीतिक सामाजिक जीवन को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे ठीक है हम सोलह संस्कारों की बात करेंगे हम विवाह किस प्रकार से होते थे कौन कौन से विवाह होते थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कौन कौन सी धातु से वो परिचित हुए किस प्रकार से उनका विस्तार हुआ कहाँ पर आकर के वो बसे कहाँ पर इन्होंने अपनी संपूर्ण सभ्यता का विकास किया कैसे डेवलपमेंट हुआ इस सभ्यता का ये सारी की सारी बातें ये सारी की सारी चर्चा आज हम हमारी कक्षा में करने वाले हैं तो अब आपसे जैसा कि हमेशा ही मेरा निवेदन होता है मोबाइल को बिल्कुल ऐसे पकड़िए कानों में ईयरफोन लगाइए पैन कॉपी साथ में रखिए और फटाफट फटाफट से चीजों को पढ़ते जाइए ठीक है चलिए हो गए आपके सारे प्रश्न गुरुजी बेटा क्या प्रश्न था आपका मैं देख नहीं पाया ठीक है ध्यान से सुनिएगा आज हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं किसकी वैदिक सभ्यता वेदिक सभ्यता यदि हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है संपूर्ण वैदिक सभ्यता का, का कालक्रम वो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व अब अभी कोई बात नहीं बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी कोई डाउट रह जाए ना तो कमेंट में बाद में क्लास समाप्त होने के बाद में कमेंट कर दीजिएगा मैं जवाब दे दूंगा ठीक है वेदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है अब यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण में प्रश्न आपके लिए लेके लेके आ रहा हूं एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था बहुत अच्छा प्रश्न था कि गुरुजी महाभारत का जो युद्ध था वस्तुतः किस काल के दौरान हुआ यदि ये महाभारत के युद्ध की काल की बात करें तो इसके बारे में इस स्पष्ट मैं ऐसी कोई भी बात कह नहीं सकता कि कौन से काल के दौरान हुआ लेकिन जब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की किसकी बात करते हैं मगध साम्राज्य की और मगध साम्राज्य के दौरान हम बात करते हैं जरासंध और बृहद्रथ की बृहद्रथ जो कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक था इसी बृहद्रथ वंश के संस्थापक का एक संतान था बृहद्रथ का पुत्र था जिसका नाम था जरासंध इस जरासंध को पांडु पित्र पुत्र भीम के द्वारा मारा जाने मारे जाने का उल्लेख मिलता है कई इतिहासकारों ने थोड़ा सा यहाँ इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि महाभारत का जो युद्ध है वो वस्तुते 950 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईसा पूर्व के मध्य कहीं पर हुआ होगा हालांकि महाभारत जो ग्रंथ है वो बहुत बाद की रचना है ठीक है ना क्लियर होगी बात चलिए अब ध्यान से सुनिए जी। सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग वेदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्यता के पतन के बाद सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ और इस सभ्यता का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है वेदों में मिलता है और इसीलिए इस सभ्यता के लिए नाम स्थापित किया गया नाम प्रयोग किया गया और नाम प्रयोग क्या किया गया बेटा वैदिक सभ्यता तो पहली बात इस, इस वैदिक सभ्यता का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें सबसे पहले जानकारी कहां पर मिलती है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वैदिक सभ्यता का उल्लेख मिलता है वेदों में कहाँ पर मिलता है वेदों में उल्लेखित होने के कारण इसके लिए नाम लिया गया और नाम क्या लिया गया वैदिक सभ्यता दूसरी बात दूसरी बात क्या दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता द इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कैसी थी अर्बन सिविलाइजेशन थी ठीक है ना नगरीय सभ्यता थी ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बनता है ध्यान से सुनिएगा कि भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता कैसी है ग्रामीण सभ्यता है अब जैसे ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है ना तो अभी हाल ही में ये बहुत बड़ा इशू रहा है ठीक है कि साहब वैदिक सभ्यता पहले हुई थी या सिंधु घाटी सभ्यता पहले हुई है इसके कालक्रम को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें अभी हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा से कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले थे ठीक है जो कि इसके कालक्रम को लेकर के थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें करने वाली थी ठीक है क्योंकि चीज़ें हमें दिमाग में हजम होती नहीं है कि पहले नगर बसना फिर ग्राम ग्रामीण सभ्यता का विकास होना थोड़ा सा चीज़ें हमें थोड़ी सी अटपटा लगती है क्योंकि गाँव से नगर का विकास होता न कि नगरों से गाँव का ठीक है लेकिन खैर अब लिख दिया गया है चीज़ें अभी तो हमारे सामने इसी रूप में है तो हमें इसी रूप में पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा कि उल्लेख कहाँ है वेदों में इसीलिए इसको क्या कहा गया वैदिक सभ्यता भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है आगे की बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा कि वेदों में वेदों में इस सभ्यता के इस सभ्यता के संस्थापकों को इस सभ्यता के संस्थापकों को इस सभ्यता के संस्थापकों को आर्य कहा गया है क्या कहा गया है आर्य कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है आप लोगों की कि वेदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे तो वहां पर शब्द मिलता है और शब्द क्या मिलता है आपका आर्य शब्द मिलता है और जैसे ही ये आर्य शब्द मिलता है इस आर्य शब्द के लिए अनेक चीजें हमें देखने के लिए मिलती है आर्य शब्द अब देखिएगा आर्य शब्द की मैं यदि थोड़ी सी बात करूं तो आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है धन ये से मिलके बना है आर्य शब्द किससे मिलके बनता है अरि धन ये से मिलकर के ये शब्द बनता है और इस अरिधन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है सुसंस्कृत या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति या जो श्रेष्ठ व्यक्ति है शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति या सुसंस्कृत व्यक्ति या जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसने अपने आप को क्या कहा आर्य कहा सुसंस्कृत कैसे श्रेष्ठ कैसे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति कैसे तो ध्यान से सुनिएगा ऐसा व्यक्ति जिसने वेदों के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने वेदों के अनुसार अपने आप का आचार और व्यवहार अपने आप को नियंत्रित कर दिया वेदों के अनुसार वेदों में जो जो चीजें उल्लेखित थी उन्हीं चीजों के अनुसार अपना आचार और व्यवहार अपना सारा का सारा व्यवहार उसी के अनुसार उसी के अनुसार परिवर्तित कर दिया उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिया तो इस व्यक्ति ने अपने आप को सुसंस्कृत कहना प्रारंभ कर दिया होगा आगे बात समझ में क्लियर है तो इसीलिए इसको क्या कहा गया आर्य सुसंस्कृत या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति आर्य क्या है ध्यान दीजिएगा आर्य क्या है सुसंस्कृत सुसंस्कृत या श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति कुल में उत्पन्न व्यक्ति इसने अपने आप को क्या कहा आर्य कहा सुसंस्कृत या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति ने अपने आप को क्या कह दिया आर्य कह दिया एक उल्लेख और मिलता है क्या कहा जाता है कि आर्य जो वस्तुते थे आर्य जो थे वो नोर्डिक शाखा की सफेद उपजाति से संबंधित मानव समूह था नोर्डिक शाखा की सफेद उपजाति से संबंधित मानव समूह को क्या कह दिया गया आर्य कह दिया गया कैसे नोर्डिक शाखा कौन सी शाखा नोर्डिक शाखा के सफेद उपजाति से संबंधित सफेद उपजाति सफेद उपजाति उप से संबंधित से संबंधित मानव समूह को क्या कह दिया गया आर्य कह दिया गया किस प्रकार से ये लोग थे ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार के ये ये लोग थे बेटा कुलदीप पढ़ ले बेटी है ना चल ध्यान से सुनिएगा सुसंस्कृत और श्रेष्ठ अपने आप में बलशाली व्यक्ति थे कुछ ठीक है जो कि कतिपय कुछ चीजें कुछ घटनाएं घटित होने के कारण कुछ घटनाएं घटित होने के कारण उल्लेख क्या मिलता है कि ये भारत में आए और भारत में आने के बाद में इन्होंने अपने से कमजोर ध्यान से सुनेगा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ यहाँ से इन्होंने अपने से जो कमजोर लोग थे इन कमजोर लोगों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया इन कमजोर लोगों को इन्होंने क्या कर लिया जीत लिया और जीतने के बाद में देखिए ये पतला कमजोर आदमी है तो इसको अपने आप जीत लेंगे ना और जीतने के बाद में इनको क्या बनाया दास बना लिया क्या बनाया इनको दास बनाया और यही लोग दास से दस्यु में परिणित हो गए यही लोग दास से किस में परिणित हो गए दस्यु में परिणित हो गए और यही दस्यु आगे चल करके यही दस्यु आगे चल करके में परिणित हो गए शूद्रों में परिणित हो गए में परिणित हो गए शूद्रों में परिणित हो गए और इस शूद्रो शूद्र शब्द का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें उल्लेख मिलता है किसका शूद्र शब्द का तो अपने आप को श्रेष्ठ जो लोग थे इन्होंने अपने आप को क्या किया स्थापित किया अब यहाँ पर ये सारी चीजें होने के बाद में एक बड़ा प्रश्न दिमाग में आता है और बड़ा प्रश्न क्या दिमाग में आता है ध्यान से सुनिएगा कि आर्य लोग आए कहाँ से आर्य लोग आए कहाँ से आर्यों का मूल स्थान क्या था और यहाँ किन कारणों के वजह से यहाँ पर आए थे अब ये आर्य जो थे इनके लिए अब आर्यों के लिए अभी हाल ही में ये शोध का विषय बना हुआ है कि आर्य वस्तुते भारत के थे या फिर आर्य बाहर के थे तो हरियाणा से कुछ जो है साक्ष्य हमें ऐसे मिले अभी ये हाल ही की बातें हैं पिछले एक डेढ़ दो साल में ये सारी की सारी चीज़ें हुई है ठीक है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां से इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आर्य जो लोग थे वो वस्तुते हमारे भारत के ही रहने वाले थे अब हम बात कर लेते हैं आर्यों का मूल स्थान आर्यों का मूल स्थान क्या था आर्यों का मूल स्थान देखिएगा यहां से आपका प्रश्न हंड्रेड परसेंट आता है चाहे कोई सा भी पेपर हो ठीक है यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है कि आर्यो का मूल स्थान कौन सा था तो देखिए मेरे हाथ में पांच उंगलियां है ना ये पांच उंगलियां क्या बराबर हैं तो क्या समस्त लोगों की विचारधारा मेंटेलिटी सबकी एक होगी हर व्यक्ति ने अलग अलग अपने हिसाब से इन आर्यो को अलग अलग क्षेत्र का होने का उल्लेख किया है ठीक है ना किसी व्यक्ति ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए किसी व्यक्ति ने कहा कि आर्य उत्तरी दूर द्रुव से आए नॉर्थ पोल से आए और एक महान व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा प्रामाणिक कर, प्रमाणित करने का प्रयास किया वो व्यक्ति था जर्मन का एक महान विद्वान जिसका नाम मिलता है मैक्स मूलर और इस मैक्स मूलर साहब ने एक बात कही क्या कहा कि आर्य जो थे वो वस्तु मध्य एशिया के निवासी थे आर्य हाँ बेटा अजय बिल्कुल ठीक है बेटा आर्य कहाँ के थे मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां से ये लोग अलग अलग शाखाओं में विस्तारित हुए आपका ध्यान केवल और केवल अभी सामने होना चाहिए आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इनकी अलग अलग शाखाओं में ये विस्तारित हो गए और विस्तारित होने के बाद में ये कहाँ पर आ गए हमारे भारत में आ गए और भारत में आकर के इन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया और इस सभ्यता का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है और इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है आगे बात समझ में क्लियर है अब देखिएगा मैं कुछ विद्वानों के नाम लिख रहा हूं यहां पर मैं विद्वान लिख रहा हूं और इधर मैं सामने लिख रहा हूं मत कि कौन से विद्वान ने इन आर्यों का मूल स्थान क्या बताने का प्रयास किया है ध्यान दीजिएगा आपका ध्यान अटेंशन चाहूंगा यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भारत के महान व्यक्ति दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती का नारा क्या था जल्दी से बताइए मुझे दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती साहब ने एक बात कही और क्या बात कही दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये जो आर्य थे वो आर्य तिब्बत के निवासी थे कहाँ के निवासी थे तिब्बत के निवासी थे तो लोगों ने पूछा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं आर्यों ने जो चीज उल्लेखित की है वो सारी की सारी चीजें तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों से हमें मिलती है इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आर्य वस्तु के लोग होंगे तिब्बत के लोग होंगे कहाँ के लोग होंगे तिब्बत के लोग फिर नंबर दो यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक कौन बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक बात कही क्या बात कही ध्यान से सुनिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य जो थे ये नॉर्थ पोल से आए थे कहां से आए थे नॉर्थ पोल से आए थे कहां से आए थे नॉर्थ पोल से आए ये बात कौन कहते हैं बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं चीजों को सुनिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से हाँ बिल्कुल बेटा सत्यार्थ प्रकाश जो है उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है ठीक है ना वेदों की और लोटो उनका नारा था ठीक है बहुत बढ़िया कमाल के लोगों मुझे मजा आता है आनंद आता है आप लोगों के साथ में जुड़ करके चलिए बाल गंगाधर तिलक साहब क्या कहते हैं कि आर्य जो थे वस्तुते कहा के थे उत्तरी ध्रुव के थे नॉर्थ पोल के थे कहां के थे उत्तरी ध्रुव के इसका मतलब आर्यो का मूल स्थान इन्होंने क्या बताया है ये वाला क्षेत्र बताया इसके पीछे कारण क्या रहा होगा इसके पीछे कारण क्या रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा बाल गंगाधर साहब ने कहा कि आर्यों का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था परवर्ती जो आर्य थे उनका ग्रंथ जेंदा अवस्था जो ईरानी आर्य के बारे में जहां पर हम उल्लेख करते हैं तो इस जेंदा अव्यस्था में और आर्यों द्वारा रचित ग्रंथ में और दूसरा ऋग्वेद में एक बात मिलती है छह माह का दिन और छह माह की रात का उल्लेख करता है उत्कर्ष की ओर लोटो अरे वाह कमाल चलिए नवदीप चौधरी भाई चलिए ठीक है ध्यान से सुनिएगा उन्होंने कहा कि आर्यों के ग्रंथों में आर्यों के ग्रंथों में छे माह का दिन और छ माह की रात का उल्लेख होता है और छह माह की रात और छह माह का दिन कहां पर हो सकता है उत्तरी ध्रुव में हो सकता है तो लोगों ने कहा दक्षिण ध्रुव में भी तो छह माह का दिन और छह माह की रात हो सकती है आपने जो बात कही आपने जो बात कही वो सिरोदारी है लेकिन चीज हजम नहीं हो रही है चीजें हजम नहीं हो रही बेटा वेद किस भाषा का शब्द अभी आगे बात करेंगे जब वेद की बात करेंगे एक एक चीज समझाऊंगा चिंता मत करो जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ लो बेटा तो उन्होंने क्या कहा उत्तरी ध्रुव कहा लेकिन यह भी चीज हजम नहीं हुई क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर छह माह के दिन और छह माह की रात वाली स्थिति बनती है इसलिए यह चीज भी मानी नहीं जा सकती नंबर तीन एक जर्मन जर्मन विद्वान जिनका नाम मिलता है मैक्स मूलर याद रखिएगा व्यक्ति का नाम क्या है मैक्स मूलर और इन मैक्स मूलर साहब ने सबसे बड़ी बात कही किस आधार पर कही वो सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए तो मैक्स मैक्समुनर साहब ने क्या कहा कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे कहा के मध्य एशिया के निवासी थे अब लोगों ने पूछा कि मध्य एशिया कहने का मतलब क्या है तो ध्यान से सुनिएगा मध्य एशिया का मतलब ये इराक ईरान और अफगान का आसपास का जो यहां से चीन से लेकर के हम इराक ईरान तक का जो क्षेत्र है ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो चीज क्या कहलाता है आपका मध्य एशिया कहलाता है पहली चीज इसको विशेष रूप से दिमाग में याद रखिएगा कि मध्य एशिया का क्षेत्र कौन सा है तो चीन से लेकर के कहां से लेकर के चीन से लेकर के इराक ईरान तक का जो क्षेत्र है ऊपर वाला जो भाग है भारत का यह यहां तक यह पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है आपका मध्य एशिया कहलाता है क्या कहलाता है मध्य एशिया कहलाता है तो लोगों ने पूछा भाई क्या कारण है तो उन्होंने कहा देखिएगा एक तो उन्होंने कुछ भाषाई आधार दिए कुछ भाषा के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए दूसरी चीज इन मध्य एशिया के जो आर्य थे इनका एक ग्रंथ जिनका नाम मिलता है जेंदावे क्या नाम मिलता है जेंदा अव्यस्था जेंदा अव्यस्था और भारतीय आर्यों द्वारा रचित प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है दोस्तों क्या नाम है ऋग्वेद आगे बात समझ में तो इन इन दोनों वेदों का जब उसने भाषाई आधार पर आंकलन किया आंकलन किया तो क्या चीज आई कि साहब इनमें कुछ शब्द जो है एक जैसे हैं और उनका शाब्दिक अर्थ एक ही निकलता है जैसे संस्कृत भाषा वेद जो लिखे गए भारतीय आर्यों के द्वारा उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और जो संस्कृत भाषा में पिता के लिए शब्द मिलता है पित्री वहीं पर उधर शब्द मिलते हैं पेदर मिलता है फादर मिलता है वादर मिलता है इधर मातृ शब्द मिलता है माताजी के लिए और उधर मादर मिलता है मेदर मिलता है ठीक है तो इस आधार पर कुछ इन्होंने चीजें जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया दूसरा इस तथ्य को सबसे ज्यादा सबल कब मिला दोस्तों एक अभिलेख प्राप्त हुआ और उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख याद रखिएगा अभिलेख का नाम क्या है बोगज कोई अभिलेख और यह बोगज कोई अभिलेख जो कि हमें एशिया माइनर से मिलता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका हर दूसरी तीसरी चौथी परीक्षा में बोगज कोई अभिलेख पूछा जाता है आप पेपर उठा करके देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बोगज कोई अभिलेख और बोगज कोई अभिलेख में चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है कौन कौन से ऋग्वेदिक आर्य देवता हैं इंद्र है वरुण है मित्र है और नासत्य हैं और इन्हीं देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है और दूसरी चीज बोगज कोई अभिलेख की जो भाषा है वो वस्तुतः इंडो ईरानी भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया है इंडो ईरानी का मतलब समझिए यहां पर इंडो ईरानी का मतलब यह है कि भारतीय प्लस ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया है और यहां पर चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है तो इससे यह सबसे ज्यादा सिद्ध होगा कि जो आर्य थे वो वस्तुते पहले इराक ईरान वाले क्षेत्र में रहते थे जिसे एशिया माइनर हम लोग बोलते हैं या मध्य एशिया बोलते हैं ठीक है ठीके? और वहां से आने के बाद में वहां कुछ विषम भौगोलिक परिस्थितियां हुई और विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बाद में ये भारत में आकर के इन्होंने निवास करना प्रारंभ किया ध्यान से सुनिएगा इतनी बात समझ में आई अब कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के लिए समझाने वाला हूं ध्यान दीजिएगा चलिए अब यहां वाले क्षेत्र से ऊपर वाले क्षेत्र से ये भारत में आए और भारत में आने के बाद में यहां इन्होंने क्या किया भारत में निवास करना प्रारंभ किया और ऊपर के जो भाग है जहां पर हमने सात सिंधु और उसकी सात सहायक नदियां सिंधु और उसकी छह सहायक नदियां कुल सात नदियां कौन कौन सी सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज और प्राचीन सरस्वती प्राचीन सरस्वती ध्यान से सुनेगा ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने जो है निवास करना प्रारंभ किया और इसी क्षेत्र को क्या क्या कहा गया सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया ध्यान से सुनेगा इस प्रदेश को क्या कहा गया सप्त सेंधव प्रदेश क्या कह दिया गया इसको सप्तव प्रदेश और इस सप्त सेंदव प्रदेश के लिए एक व्यक्ति जिन्होंने जिनका उल्लेख मिलता है अविनाश चंद्र झा अविनाश चंद्र झा कहते हैं कि आर्यो का जो मूल स्थान था वो क्या था सप्त सेंदव प्रदेश था तो एक और व्यक्ति जिनका नाम क्या है अविनाश चंद्र झा अविनाश इन्होंने क्या कहा सप्त सप्तेंधव प्रदेश क्या कहा सप्त सप्तेंधव प्रदेश सप्त सेंधव प्रदेश की बात कही कि आर्य जो थे वो मूल निवासी अविनाश चंद्र दास माफ कीजिएगा अविनाश चंद्र दास और ये क्या कहते हैं कि आर्यो का जो मूल स्थान था वो कौन सा था सप्त सेंधव प्रदेश था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर के ये यहां पर निवास किया इन्होंने और यहीं से इन्होंने इस सभ्यता इस संस्कृति का विकास किया और इस प्रदेश को क्या कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया आगे बात समझ में क्लियर है तो ये कुछ महान विद्वान हैं जिन्होंने इन आर्यों के मूल स्थान की बातें कही है ये आपको विशेष रूप से क्या करना है याद रखना है अब हम लोग बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं बोगज कोई अभिलेख की बहुत अच्छा प्रश्न आपका बोगज कोई अभिलेख से बन सकता है तो ध्यान दीजिएगा क्लास में आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए हम बात करने वाले हैं बोगज कोई अभिलेख की बोगज कोई अभिलेख पहली बात आप सबको पता है कि अभिलेख क्या होता है किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है अभिलेख कहलाता है और बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है कहां से तो याद रखिएगा कि एशिया माइनर एशिया माइनर इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है वहां से ये हमें बोगज कोई अभिलेख मिलता है जो कि कब का है वस्तुते कब का है तो याद रखिएगा कि इसका जो समय ज्ञात किया गया है वो समय ज्ञात किया गया है लगभग लगभग 1400 ईसा पूर्व का 1400 ईसा पूर्व का पहले का ये माना जाता है क्लियर हो गई बात बोगज कोई अभिलेख कहां से मिला है एशिया माइनर से मिला है कब का है चौदह सौ ईसा पूर्व का है आगे बात कर लेते हैं हम इसमें भाषा कौन सी है इसकी कौन सी भाषा है तो भाषा इसमें है इंडो ईरानी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन सा भाषा है इसका इंडो ईरानी भाषा है क्या है इंडो ईरानी भाषा इसकी आगे बात समझ में क्लियर आगे बात करते हैं इसमें क्या उल्लेख मिलता है इस बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है तो यहां पर हमें चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है यहां से हमें चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है चार ऋग्वेदिक आर्य देवता कौन कौन से मेरे साथ में दोहराइएगा सबसे पहले इंद्र फिर वरुण फिर मित्र फिर नास्य इंद्र वरुण मित्र और ना सत्य चार देवताओं का उल्लेख मिलता है ये चार वही ऋग्वेदिक आर्य देवता हैं जिनका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है ऋग्वेद में मिलता है कहां पर मिलता है ऋग्वेद में मिलता है आगे बात समझ में क्लियर है तो उल्लेख किसका है चार ऋग्वेदिक आर्य देवता चार ऋग्वेदिक आर्य देवता चार ऋग्वेदिक आर्य देवता और चार ऋग्वेदिक आर्य देवता कौन कौन से ये वाले आपके यहां पर उल्लेख मिलता है हमें इंद्र का किसका उल्लेख मिलता है इंद्र का उल्लेख मिलता है फिर हमें उल्लेख मिलता है वरुण का एक हमें उल्लेख मिलता है मित्र देवता का और एक उल्लेख मिलता है हमें नासत्य का ये चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है और इससे ये साबित भी हो जाता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आर्य भारत में आए थे वो पहले कहाँ पर ईरान और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर ये निवास करते थे और बाद में ये आकर के कहाँ रहे भारत में रहे ठीक है हो गई बात क्लियर थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता देता हूं ध्यान दीजिएगा कि इस बोगज कोई अभिलेख की खोज बोगज कोई अभिलेख की खोज कब की गई तो देखिएगा यही से याद करवा रहा हूं तुरंत प्रभाव से आपको अपने आप को एक प्रश्न पूछना है क्या प्रश्न पूछना है बेटा आपको प्रश्न ये पूछना है कि बोगज कोई अभिलेख की खोज करने के लिए कौन गया बोगज कोई अभिलेख की खोज करने के लिए कौन गया और कौन गया को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हु क्या बोलेंगे हु आगे बात समझ में तो खोज कब की गई खोज इसकी 1907 ईसवी ईस्वी में की गई थी 1907 ईसवी ईस्वी में और किसके द्वारा ह्यूगो के द्वारा खोज कब की गई थी 1907 में और किसके द्वारा की गई थी ह्यूगो के द्वारा की गई जिसमें चार ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का हमें क्या मिलता है उल्लेख मिलता है क्लियर बात हो गई ना चलिए कितने अच्छे बच्चे हैं लगभग लगभग तेतीसो लोग जुड़े हुए हैं और आराम से शांति से पढ़ रहे हैं थैंक यू आपको धन्यवाद चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता की कि वैदिक सभ्यता मूलतः है क्या चीज और इसका जो है कितने भागों में ये विभाजित है वैदिक सभ्यता का कालक्रम हमने बताया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के पंद्रह सौ ईसा पूर्व से लेकर के 600 सौ ईसा पूर्व तक का जो है संपूर्ण काल वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है चलिए याद हो गया ना सबको हाँ बेटा कला संस्कृति भी पढ़ाऊंगा चिंता मत करो आप हाँ बेटा संधि हुई थी राहुल सोलंग की ठीक है वस्तुते ये जो बोगज कोई अभिलेख है वो संधि अभिलेख है आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एन में इतनी चीज नहीं आएगी लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि संधि अभिलेख है जो वस्तुते जो वस्तुतें मिताताई के शासक हिताताई के शासक और जो है सबली लोमा और मितानी शासक जिसका नाम मिलता है मात्युजा हिताताई का शासक है जिसका नाम क्या है सबली ल्यूमा और मिताई मितानी शासक जिसका नाम है मात्युजा इन दोनों के बीच में हुई संधि शब्दों संधि का उल्लेख हमें वस्तुते देखने को मिलता है कहाँ बोगज कोई अभिलेख में ठीक है क्लियर चलिए बहुत अच्छी बात है शाबाश बेटा आगे चलते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दो भागों में पहला भाग कौन सा वाला ये वाला और दूसरा भाग आपका वो वाला याद रखिएगा पहले भाग को हमने कहा ऋग्वेदिक काल कौन सा काल कहा गया ऋग्वेदिक काल और दूसरे भाग को हम बोलते हैं वे, उत्तर वेदिक काल क्या बोलते हैं हम लोग उत्तर वेदिक काल पहला भाग आपका क्या है ऋग्वेदिकाल और दूसरा भाग क्या है उत्तर वैदिक काल कौन सा उत्तर वैदिक काल दोस्तों ऋग्वेदिक काल का जो समय माना जाता है वो समय माना जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व एक हजार ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कौन से काल का है ऋग्वेदी काल का है वहीं पर यदि हम बात हाँ ये वाला और वो वाला बेटा ध्यान से सुनिएगा वही यदि हम बात करते हैं उत्तर काल की तो उत्तर वेदी काल का समय आपको देखने को मिलता है एक हजार ईसा पूर्व से लेकर के एक हजार ईसा पूर्व से लेकर के छसो ईसा पूर्व तक का जो समय है ये उत्तर वैदिक काल का आपको देखने को मिलता है हम प्रवेश करने वाले हैं सबसे पहला पाठ जिसे हमने बोला है क्या ऋग्वेदिक काल क्या बोला हमने ऋग्वेदिक काल ऋग्वेदिक काल क्यों क्योंकि इस काल कालखंड के दौरान इस कालखंड के दौरान केवल और केवल एक ही ग्रंथ की रचना की गई और जिस ग्रंथ का नाम क्या था ऋग्वेद क्या नाम था बात समझ में और इसी कारण इस संपूर्ण काल क्रम को क्या कह दिया गया ऋग्वेदिक काल कह दिया गया अब यदि हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के बारे में हमें उल्लेख कहां मिलता है वेदिक साहित्य की यहां पर चर्चा करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग वेदिक साहित्य की यहां पर हम लोग बात करते हैं और वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है उसकी मैं यहां से आपके सामने चर्चा करने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग करने वाले हैं जहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना होती है चलिए हम बात करने वाले हैं यहां पर वैदिक साहित्य की किसकी बात करने वाले हैं कालीन संहिता और या कालीन साहित्य के यदि हम बात करते हैं वेदिक साहित्य की चर्चा करते हैं संहिता के अंतर्गत तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पहली चीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेद की हम बात किसकी करने वाले हैं हम चर्चा किसकी करने वाले हैं वेद की चर्चा करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा यदि वेद शब्द की हम बात करते हैं तो वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है विद धातु और गाय प्रत्यय से मिलकर के बना है विद धातु और गाय प्रत्यय से मिलकर के बना बेटा मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा अभी वेदिक सभ्यता में हम बात करने वाले हैं वेद की मेरा आपसे प्रश्न है चलिए मेरा आपसे प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिएगा कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई जल्दी से बताइए मुझे वेदों की रचना किसके द्वारा की गई चलिए ध्यान दीजिएगा आप जब तक उत्तर देते हैं तो विद धातु विद धातु और घाय प्रत्यय से मिलकर के बना है प्रत्यय कौन सा है घाय घाय प्रत्यय ठीक है विद धातु और प्रत्यय से मिलकर के शब्द बना है जिस नाम क्या है वेद शब्द क्या बना है वेद अरे वाह स्वामी दयानंद सरस्वती भी आता है वेद व्यास जी ज्यादातर शाबाश क्या बात है कमाल शाबाश शाबाश वेद व्यास जी आ रहा है ज्यादातर का उत्तर कि वेदों की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई अब ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत अच्छी बात है बेटा अब ध्यान सुनना केवल कुछ ही लोगों के उत्तर सही आए मैं बताने वाला हूं कि वेदों की रचना की गई या वेदों का संकलन किया गया तो विद धातु और गह प्रत्यय से निर्मित शब्द है वेद क्या है वेद और यहां अब ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण बात क्या है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है वेद का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है तो शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा कि जान राशि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है जान राशि जान राशि या जान का भंडार जान का भंडार जान राशि या जान का भंडार इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है और मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों मेरे प्यारी प्यारी से बहनों अब ध्यान से सुनो वेदों की रचना नहीं हुई है वेदों का संकलन किया गया है क्योंकि पूरा का पूरा इस ऋग्वेदी काल में पूरा का पूरा एक वेद की हम लोग चर्चा करते हैं और इस वेद में जिस प्रकार से आप जिस कक्ष में अभी बैठे हैं उस कक्ष को देखिए ध्यान से अब आपका ध्यान केवल और केवल अगले तीन मिनट के लिए दो मिनट के लिए मैं मेरी तरफ चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा कि आप जिस कक्ष में बैठे हैं उसके चार कोने आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे इन चारों कोनों में आप कल्पना कीजिएगा मान लीजिए जब हम गणित में मान सकते हैं कि माना कि राम के पास सौ रुपए थे जबकि राम के पास में कुछ भी नहीं होता तो इतिहास में भी हम लोग मान सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए का एक जो कोना है उसमें एक कोने में आपकी सारी बुक्स एक साथ पड़ी है जिसमें मैथामेटिक्स भी है जिसमें जादू टोने टोटके से संबंधित किताबें भी आपकी पढ़ी है उपचार से संबंधित किताबें भी आपकी पढ़ी है भगवान की देवता की प्रार्थनाएं स्तुति मंत्र वाली किताबें भी एक ही जगह पड़ी है मिक्स हो रखा है क्या हुआ वाला मिक्स हो, हुआ हुआ है तो दोस्तों ध्यान से सुनेगा इस मिक्सअप को अलग अलग कर दिया गया अर्थात वेदों का क्या किया गया संकलन किया गया है ठीक है ना इन चारों कोनों में जो चीजें मिक्सअप पड़ी है इन चारों चीजों को क्या कर दिया गया सुव्यवस्थित कर दिया गया क्या कर दिया गया सुव्यवस्थित कर दिया गया इनका संकलन कर दिया गया क्या कर दिया गया संकलन संकलन का मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनिए कि जो देवताओं के लिए जो देवी मंत्र थे स्तुति थी प्रार्थनाएं थी उन चीजों को अलग किया गया उपचार से संबंधित चीजों को अलग किया गया जादू टोने टोटके से संबंधित चीजों को अलग किया यज्ञ हवन अनुष्ठान से संबंधित चीजों को अलग किया गया और संगीत से संबंधित चीजों को क्या कर दिया गया अलग कर दिया गया दोस्तों प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि वेदों को कहा गया है वेदों को क्या कहा गया है ए अपौर कहा गया है ए पौरुष का मतलब ये होता है कि वेद किसी भी पुरुष विशेष की कृति नहीं होकर के वेदों को देवीय जान का अंश माना गया है वेदों को मात्र केवल मात्र देवताओं का जान माना गया है उनका अंश माना गया है देवीय जान का अंश माना गया है आगे बात समझ में जबकि वेदों को क्या किया गया वेदों का संकलन किया गया और संकलन करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्ण द्वेपायन। व्यक्ति का नाम क्या था कृष्ण द्वेपायन? इन्होंने वेदों का व्यास किया वेदों का विस्तार किया वेदों का विस्तार किया इसीलिए नाम पीछे जुड़ जाता है वेद व्यास क्या जुड़ जाता आपका वेद व्यास तो वेदों का संकलन किया गया जो कि किसके द्वारा किया गया है वेद जी के द्वारा जबकि वेदों के रचनाकार पौरों से माने जाते हैं क्लियर हो गई बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए सारी चीजें लिखने वाला हूं चलिए तो मैं सारी चीजें लिखने वाला हूं वेदों की रचना वेदों की रचना याद रखिएगा प्यारे साथियों कि वेदों की रचना ए है। क्या है ए है पौरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है किसी पुरुष विशेष की पुरुष विशेष की रचना नहीं है कि रचना नहीं है ठीक है तो क्या है देवीय जान का अंश माना गया है देवीय जान का अंश माना गया है तो वेदों का क्या किया गया है वेदों का संकलन किया गया है वेदों का क्या किया गया है वेदों का संकलन किया गया है और वेदों के जो संकलन करता है उनका नाम मिलता है महर्षि कृष्ण द्वे पायन वेद व्यास महर्षि कृष्ण द्वे पायन द्वे वेद व्यास चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेदों की संख्या वेदों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है वेदों की संख्या कितनी है चार है चतारी वेदा वेद कितने हैं चार वेद हैं और चार वेद कौन कौन से हैं ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद यजुर है, साम है और आपका अथर्ववेद है ऋग्वेद सा, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ठीक है तो चार वेद हैं कौन कौन से सबसे पहले ऋग्वेद नंबर दो यजुर्वेद नंबर दो क्या है यजुर्वेद नंबर तीन हम बात कर लेते हैं सामवेद की किसकी सामवेद की और नाम नंबर चार हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद की अथर्व वेद ये चार वेद आपके कुल मूल है ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है और अथर्वेद आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज और क्या याद रखेंगे कि ऊपर के जो तीन वेद हैं ऊपर के तीन वेद कौन से रिग यजु और साम ऋग यजु और साम इन तीनों वेदों को नंबर एक नंबर दो नंबर तीन और नंबर चार इन तीनों वेदों को मतलब तीन कौन से नंबर एक नंबर दो और नंबर तीन इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है वेद त्रय कहा जाता है वेद त्रय कहा, कहा जाता है पहली चीज वेद त्रय किसको कहा जाता है यह सीधा साधा प्रश्न बनता है आप लोगों का ठीक है ना वेद त्रय वेद त्रय किसको कहा जाता है ऋग्वेद और साम्वेद को आगे बात समझ में सबसे अंत की जो रचना है वो आपका कौन सा वेद है अथर्वेद है प्रारंभिक जो वेद है इस आदि मानव सृष्टि का या मानव का प्राचीनतम जो ग्रंथ माना जाता है वो प्राचीनतम ग्रंथ आपका कौन सा माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है कौन सा वेद माना जाता है ऋग्वेद माना जाता है बात क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक एक चीज और यहीं से समझ लीजिएगा ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल एक ही वेद की रचना की गई और वो वेद आपका कौन सा था ऋग्वेद कौन सा वेद है वेद है ऋग्वेद बाकी के जो तीन वेद हैं बाकी के तीन वेद कौन से ध्यान से सुनेगा यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद यहीं पर लिख रहा हूं मैं स्टार बना करके कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन तीनों वेदों की रचना वेदों की रचना कौन से काल में की गई है तो इनकी रचना उत्तर वैदिक काल की है इन तीनों वेदों की रचना कौन से काल की है तो उत्तर वैदिक काल की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है क्लियर हो गई ऊपर के तीन वेद वेद त्रय कहलाते हैं यजुर्वेद सामवेद और इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है क्लियर हो गई बात चलिए आगे चलते हैं जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग पहला वेद हम लोग बात करने वाले हैं पहला वेद और आपका पहला वेद कौन सा है ऋग्वेद ऋग्वेद में क्या चीज है ऋग्वेद में ऋक़ रिक है मतलब क्या है हैं। मतलब क्या श्लोक मंत्र है किसकी है देवताओं की मंत्र किसके लिए होते हैं देवताओं के लिए होते हैं इस आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है कौन सा वेद आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा वेद माना जाता है ऋग्वेद और ऋग्वेद में क्या है देवीय स्तुतियां हैं ऋग्वेद में क्या है ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ करके थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे बहुत ज्यादा हम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ठीक है एनटीपीसी में आपका यहीं तक आने वाला है इससे ज्यादा आपका नहीं आने वाला ठीक है तो आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है याद रखिएगा कि आदि मानव का आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है कौन सा ऋग्वेद इसमें क्या है देवीय स्तुति है क्या है देवीय स्तुति है इसमें अर्थात क्या है प्रार्थनाएं है क्या है प्रार्थनाएं है इसमें इसमें क्या है श्लोक है या फिर मैं बात कहूं तो क्या है मंत्र है जो कि देवताओं को समर्पित है किसको समर्पित है देवताओं को समर्पित है आगे बात समझ में आ गई क्लियर है गायत्री मंत्र कौन से मंडल में बेटा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र ठीक है ना जो कि वस्तुते भगवान विष्णु को समर्पित है तीसरा मंडल ठीक है ना और वहीं पर आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको मिलता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में आपसे पूछा जा सकता है कि कुल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या यदि पूछ ली जाए तो कुल दस मंडल हैं मंडलों की संख्या कितनी है दस मंडल है फिर यदि बात पूछी जाए कि ऋग्वेद में कुछ कुल कितने सुक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सुक्त हैं तो याद रखिएगा कि एक हजार हैं। सुक्त है एक हजार अट्ठाईस इसमें मूल रूप से एक हजार सत्रह तो सुक्त मिलते हैं आपको और बाकी के ग्यारह जो है वो क्या है बाल खिल्ले हैं वो क्या है बाल खिल्ले आगे बात करते हम मंत्रों की या फिर हम बात कर लेते हैं श्लोक की हम किसकी बात कर लेते हैं श्लोक की तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीजें अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिलती है इस प्रकार के प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते हैं ठीक है ठीके? फिर भी मैं आपको बता रहा हूं देखिए कई पुस्तकों में आपको दस मिलेगा कई जगह दस मिलेगा कई कई जगह दस हजार पांच सौ बयालीस मिलेगा तो ज्यादातर जहां पुस्तकें हैं वहां पर आपको एक उल्लेख मिलता है दस हजार पांच सौ बासठ का दस हजार पांच बासठ का तो ज्यादातर जो है वो क्या मिलता है आपको दस हजार पांच ठीक है ना लेकिन यहां पर देखिएगा इसको प्रामाणिक नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग, अलग चीजें मिलती हैं ठीक है क्लियर हो गई बात एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं क्या बात बताने वाला हूं देखो दसवा मंडल और इस दसवें मंडल का एक सुक्त है जिसका नाम क्या है पुरुष सुक्त दसवें मंडल का पुरुष सुक्त और पुरुष सुक्त में चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है क्या था चतुषवर्णीय समाज जब हम ऋग्वेदी काल की थोड़ी सी सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं यहां पर बात करने वाला हूं ठीक है आगे बात समझ में चलिए जल्दी से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद की नंबर दो नंबर दो आपका कौन सा है यजुर्वेद है कौन सा वेद है यजुर्वेद और यजुर्वेद में क्या है यजुष है यजुष का मतलब क्या होता है गद जो है यज्ञ हवन इत्यादि यज्ञ हवन इत्यादि कर्मकांड से संबंधित कहां पर है यजुर्वेद है कहां पर है यजुर्वेद में किस में यज्ञ हवन इत्यादि यज्ञ हवन इत्यादि के बारे में जानकारी इत्यादि क्रियाओं के बारे में उल्लेख है किस प्रकार से यज्ञ संपादित ठीक है ना किया जाना चाहिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो ये सारी की सारी उल्लेख कहां पर मिलता है हमें यजुर्वेद में मिलता है प्यारे साथियों और फिर यदि हम बात करें यजुर्वेद जो है वस्तुते गद्य और पद्य दोनों में है मोसिपियंस का मतलब बेटा जानी मानव होता है टॉपिक से हट करके प्लीज बेटा कन्हैया मत पूछो ठीक है ना क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्बेंस होता है आपका डाउट होता है ना तो क्लास समाप्त होने के बाद में बेटा डाल दिया करो मैं जवाब देता हूं सबको ध्यान से सुनो यजुर्वेद में क्या चीज है यज्ञ हवन कर्म कांड इत्यादि सारी चीजें हैं क्या चीजें हैं कर्म कांड से संबंधित चीजें हैं कहां पर है यजुर्वेद में है और यजुर्वेद किस में है यजुर्वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में है गद्य और पद्य दोनों में है और जब भी कोई चीज गद्य और पद्य दोनों में हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग चंपू बोलते हैं तो इसलिए यजुर्वेद को क्या कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा कि यजुर्वेद को चंपू काव्य भी कहा जाता है आगे बात समझ में सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया ठीक है याद रखना बेटा कि गद्य और पद्य दोनों में है इसलिए इसको क्या कहा जाता है चंपू काव्य कहा जाता है अरे भाई गुरुजी देखो जब हवन यज्ञ करते हैं तो हमें तो ज्यादा चीजें समझ में आती नहीं है हमें तो एक ही चीज समझ में आती है क्या हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं क्या चीज कि स्वाहा क्या याद रखते हैं वो हमें समझ में आती है जब बोलते हैं ना क्या स्वाहा बस उसका हम ध्यान रखते हैं बाकी तो हमें पता नहीं चलता गुरुजी पहले वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं पद्य बोलते हैं फिर उसका गद्य में क्या करते हैं गद्य में उसका क्या करते हैं उसका हमें चीजें समझाते हैं कि मैंने ये ये चीजें आपको कही है ये सारी चीजें फिर हम कहते हैं स्वाहा ठीक है अगली बात समझ में अब याद रखिएगा कि इसके दो भाग जो है यजुर्वेद जो है इसके दो भागे कितने भागे दो भागे कौन कौन से एक तो यजुर्वेद काला था एक तो यजुर्वेद क्या था काला था इसलिए काले को क्या बोलते हैं कृष्ण क्या बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा गोरा था आपकी तरह प्यारा प्यारा इसलिए उसको क्या बोला गया शुक्ल यजुर्वेद दो शाखाएं हैं याद रखिएगा दो शाखाएं यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं दो शाखाएं हैं प्यारे साथियों कौन कौन सी कृष्ण यजुर्वेद क्या है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी कौन सी है शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों याद रखिएगा इसकी जो मूल शाखा है वो कौन सी है शुक्ल यजुर्वेद है और उसके बाद में जो रचना की गई थी वो किसकी की गई थी कृष्ण कृष्ण का मतलब क्या होता है काला जिसमें मिलावट हो गोरा काला दोनों ठीक है ना तो बाद में दोनों चीजों का मिलावट करके जो है कृष्ण यजुर्वेद लिखा गया था कृष्ण यजुर्वेद बाद की शाखा मानी जाती है शुक्ल यजुर्वेद इसकी मूल शाखा मानी जाती है तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी ठीक है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें मस्त रहें तंदुरुस्त रहें आहलादित रहें प्रसन्नचित रहें और खूब ऊर्जावान रहें खूब स्वाध्याय करें खूब अध्ययन करें इस सृष्टि की समस्त खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं मिलते हैं कल ठीक सवा चार बजे बाकी की अन्य चीज़ों के साथ में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्कार थैंक यू सो मच